Hello everyone, this is Kartik Sagar. I welcome you all on my YouTube channel. In this lecture, I am going to discuss topic projection of solid. So let's begin. Let us understand the question. A regular hexagonal prism having 25 mm base sides and 65 mm long standing on at the HP. The object is on HP, तो हमारा top view जो hexagonal shape आएगा, ठीक है, और object का front view जो है rectangle आने वाला है. Now there is two case. So one more condition is given that base side on which it rests makes an angle of 30 degree with HP and rectangular face containing that sides makes an angle of 45 with VP. तो ये हमें कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आप पोस्ट करके भी देख लेना, ठीक है. तो दो कंडीशन है हमारे पास टॉप व्यू में, तो उसमें हमें कौन सी रखनी है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के इतना पता चल रहा है दैट फेस शुड बी पैरेलल टू द VP. सो सेकेंड कंडीशन इज परफेक्ट फॉर दिस. तो हमें ध्यान रखना है कि फेस कंटेनिंग दैट साइड्स, तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन है वो हमारा ट्रू टॉप व्यू आने वाला है, तो वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं हेक्सागोनल में. तो दो केसेस में से हमें किस तरह से पता करना है वो क्वेश्चन से पता चल चुका है. सो साइड साइज इज गिवन 25, सो आई एम टेकिंग और सर्कल मेथड टू ड्रॉ हेक्सागोन. तो हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए सर्कल का जो इस्तेमाल होता है, जिससे तेजी से हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल, इसलिए वो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. तो 25 का मैंने सर्कल बना लिया है, यहाँ से मैंने एक साइड पहले ही बना ली थी. सो फॉर अदर साइड्स आई एम यूजिंग राउंडर टू मेक आर्क ऑन द आर फर्स्ट सर्कल. तो ये सारे पॉइंट जो मिल जाते हैं उसको जॉइंट कर लेंगे तो हमें हेक्सागोन मिल जाएगा. नाउ देर आर मैनी मोर मेथड्स विच कैन बी यूज टू ड्रॉ हेक्सागोन, बट आई एम यूजिंग दिस मेथड बिकॉज दिस मेथड इज एक्यूरेट एंड फास्ट. तो आपको एग्जाम में वही पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करना है कि कौन सा मेथड आपको यूजफुल हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम कंज्यूम ना करें. नाउ फॉर फ्रंट व्यू आई एम टेकिंग प्रोजेक्शंस. नाउ दिस इज अ प्रिज्म, तो फ्रंट से हमें रेक्टेंगल शेप देखने को मिलेगा. सो हम सारे जितने भी पॉइंट्स है कॉर्नर से हेक्सागोन के हमारे टॉप व्यू के, उसमें से हम प्रोजेक्शन लाइंस वर्टिकली अप खींच रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम फ्रंट व्यू बनाएंगे. नाउ हमें हाइट ऑफ द प्रिज्म दिया है 65, सो आई एम टेकिंग डिस्टेंस ऑफ 65 टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑफ द प्रिज्म. सो यहाँ पर मैंने 65 दोनों तरफ पॉइंट ले लिया है. सो दिस इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म. नाउ दिस इज द फर्स्ट केस. डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ था कि ऑब्जेक्ट इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टैंडिंग ऑन HP, बेस साइज है 25 एंड हाइट इज 65, तो उससे इतना मिल चुका है. नाउ डिनोट द पॉइंट्स. सो आई एम यूजिंग अल्फाबेट्स एंड फॉर फ्रंट व्यू वी आर यूजिंग डैश नोटेशंस. तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रेडी हो चुका है, ठीक है. देन वन मोर थिंग इज दैट देर इज अ टॉप बेस. तो दो बेस आते हैं हमारे प्रिज्म में, ठीक है. तो वहाँ पे हम टॉप बेस के लिए हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं और बॉटम बेस के लिए हमने अल्फाबेट्स यूज़ किए हैं, ठीक है. और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमारा बेस साइज 25 है. ना फर्स्ट जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है दैट इट बेस साइड्स ऑन विच इट रेस्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ HP. तो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, यानी टेढ़ा करना है. सो फॉर डैट आई एम यूजिंग दिस सेट स्क्वेयर एंड आई एम टेकिंग डी डैश पॉइंट, क्योंकि उस पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाने वाला है. तो ऑब्जेक्ट को हम 30 डिग्री पर ड्रॉ करने वाले, तो मैंने बेस को उठा दिया है और जो हमारा बेस था उसको क्रॉस कर दिया है. तो डी डैश और ए डैश जो है वो थोड़ा हवा में आ जाएगा, क्योंकि वो पहले बेस पे ही था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, उसको मैंने थोड़ा हवा में उठा लिया है 30 डिग्री, तो वो हवा में आ चुका है. एंड आई एम टेकिंग अदर पॉइंट्स एज अ फर्स्ट ड्राइंग एज अ रेफरेंस. तो फर्स्ट ड्राइंग को रेफरेंस लेते हुए मैंने सारे पॉइंट्स राउंडर की हेल्प से साइड में रेप्लीकेट कर लिए. नाउ फॉर मेकिंग 1, 2, 3, 4 टॉप वी हैव टू डू वन थिंग दैट वी हैव टू ट्रांसफर प्रोजेक्ट द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स. तो हमारे ए डैश बी डैश सी डैश जो भी पॉइंट्स है उसमें से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. तो यहाँ पे आई एम यूजिंग परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स एंड सेम वे हमें 65 का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ उसको क्रॉस किया है. तो राउंडर की हेल्प से 65 का डिस्टेंस जो था हमारा वो लेके हम आर्क मार देते हैं, जिससे हमारा फ्रंट व्यू रेडी हो जाएगा. सो दिस इज द मेथड. सो नंबरिंग भी कर देते हैं दैट हमारे हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्रॉस हो चुका है एंड वी हैव डन ओनली फर्स्ट कंडीशन, कि पहली कंडीशन में 30 डिग्री विथ HP है वो हमने कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट ऑल द प्रोजेक्शंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स.
जिसका हेल्प करके हम टॉपिक बनाएंगे। सो आई एम यूजिंग सेट स्क्वायर टू मेक पैरेलल लाइंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स टॉप टॉप बेस एज वेल एज बॉटम बेस। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकली प्रोजेक्शंस खींच लिए, सिमिलरली मुझे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस खींचने हैं टू फॉर्म अ हेक्सागोनल प्रिज्म। सो आई एम टेकिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप व्यू ऑफ आर फर्स्ट स्टेज। तो यहाँ पे सारे प्रोजेक्शन खींच लेते, ट्राई टू मेक द प्रोजेक्शन लाइन्स एज पैरेलल एज पॉसिबल। ठीक है, सो आई एम टेकिंग इट एंड नाउ ऑल आई नीड टू डू इज ट्रेस अ पॉइंट। तो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्शन लाइन फॉलो करनी है, ए और ए की प्रोजेक्शन लाइन ए आ जाएगा पॉइंट। देन आई एम टेकिंग प्रोजेक्शंस फ्रॉम बी टू बी। तो बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइंस में आपको पॉइंट्स फॉलो करने हैं और आपको नंबर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली फॉर टॉप मुझे 1 2 3 4 मिल जाएगा। तो आई एम डूइंग दैट प्रोसेस। यहाँ पे 2 मिला है, 6 मिला है, देन दिस इज 5 3 एंड लास्ट इज 4। ना आप ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर से देखे तो आपको 1 2 3 4 वाला जो फेज है वो कम्प्लीटली दिख रहा है डायरेक्टली, वहाँ पे कोई बीच में रुकावट नहीं आ रही है। सो डैट विल बी फुल्ली विजिबल। तो हमें फुल्ली विजिबल ड्रॉ करना है। ठीक है, सो आई एम ड्रॉइंग इट फुल्ली विजिबल। तो मैंने ठीक आउटलाइन लाइन का इस्तेमाल किया। टॉप से देखे ऊपर से तो आपको 1 डैश B डैश एंड F डैश जो पॉइंट है वही डायरेक्टली दिखेंगे, बाकी के पॉइंट्स है वो हिडन नीचे हो जाएंगे। आपको डी डैश क्लियरली पता चल रहा है कि वो नीचे है तो वो हिडन है, तो आपको डी डैश वाले पॉइंट जो है वो नहीं दिखने वाले, तो उसको आपको हिडन लाइन से ज्वाइन करना है। तो आपको ऊपर से अभी पता चल रहा है कि आपको जो है वो कौन से पॉइंट दिख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है A डैश B डैश C डैश F डैश एंड E डैश, तो वो पॉइंट्स दिखने वाले हैं और बाकी के पॉइंट जो है वो हिडन हो जाएंगे। सो हमारा जो ये सेकेंड स्टेज है वो रेडी हो चुका है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री विथ HP कर दिया है। नाउ सेकेंड कंडीशन जो दिया हुआ है हमें, दैट इज 45 डिग्री विथ VP। तो एंगल विथ VP जो दिया है वो अभी करना है। तो हमारा जो टॉप व्यू आया है अभी उसको हमें 45 डिग्री पे ड्रॉ करना है। तो फॉर दैट वी आर जस्ट कॉपिंग दैट ड्राइंग एट 45 डिग्री। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक 45 डिग्री पे लाइन बनानी पड़ेगी, रेफरेंस लाइन ऑन विच वी आर गोइंग टू मेक अ एक्सिस। तो ये मैंने 45 डिग्री की लाइन ले लेता हूँ। नाउ आई हैव टू टेक वन पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, तो मैं कहीं पे ए पॉइंट ले लेता हूँ। नाउ ए डैश से मुझे डी डे 1 डैश तक का डिस्टेंस पता है, तो राउंडर की हेल्प से लेके आर्क मार देते जिससे 1 पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली डी पॉइंट मिल सकता है, ए से डी तक का डिस्टेंस ले लीजिए, राउंडर मार दीजिए डी पॉइंट। देन वी आर गोइंग टू प्रोसेस इट फॉर लास्ट पॉइंट, दैट इज 4। सारे पॉइंट मिल चुके हैं। नाउ फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि बाकी के पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर लाइन पे है तो उसके राउंडर्स मार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स के तो नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है। सिमिलरली आगे एक पॉइंट लेना है डी पे, 1 पे भी ऊपर नीचे दोनों तरफ पॉइंट्स है परपेंडिकुलर, जहाँ से जा रही है लाइंस हमारे सेकेंड ड्राइंग में वो पॉइंट्स लेके परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, जिससे उस पर हमें राउंडर की हेल्प से पॉइंट्स मिल जाने वाले। नाउ ऑल द डिस्टेंस आर सेम फ्रॉम द सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन से आप देखो ए का डिस्टेंस सेम है, तो वो पॉइंट लेके ऊपर नीचे आर्क मार देंगे तो ए बी एंड एफ मिल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन पे मारेंगे तो ई एंड डी मिल जाएगा, ठीक है सी मिल जाएगा। सिमिलरली 2 एंड 6 5 एंड 3, तो आप पॉइंट्स ले लीजिए, तो आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं। दिस आर 3 2 1 मिल चुका है, 6 एंड 5, तो ये हमारा और ए बी सी डी ई एंड एफ। तो हमारे सेकंड ड्राइंग के अंदर देखे तो आपको जो जो डार्क दिख रहा था वो डार्क ज्वाइन करना है। तो हमारा जो 1 2 3 4 है, 5 6 वाला जो टॉप बेस है वो कम्प्लीटली डार्क ड्रॉ करना है, और बाकी का जो है उसमें हमारा सी डी और हमारा जो डी ई लाइन था वो हिडन था, तो उसको हमें ठीक डैश लाइन ज्वाइन करनी है। बाकी का डार्क था तो डार्क ज्वाइन करके हमारा ड्राइंग 45 पे आ जाएगा। सो हमने बस रेप्लिकेट किया है, तो आपको हेक्सागोन देखो 45 डिग्री पे अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड कंडीशन जो कर दिया, और अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोजेक्शन लाइंस फॉलो करने हैं। सो वी विल गोइंग टू ड्रॉ प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स वर्टिकली अप, एंड वी आर गोइंग टू डू सेम प्रोसेस फ्रॉम फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आपका जो सेकंड स्टेज का जो फ्रंट व्यू है ऊपर का ड्राइंग, उसमें भी जितने पॉइंट्स है उसमें से हम प्रोजेक्शन लाइंस खींचेंगे
और वो प्रोजेक्शन लाइन खींचने के बाद हम पॉइंट ट्रेसेस करेंगे, 3 का वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन और 3 का ओरिजेंटल प्रोजेक्शन लाइन, तो हमें 3 पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली सारे पॉइंट्स के हम प्रोजेक्शन लाइन से फॉलो करेंगे और आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू दैट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस खींच लेते फ्रॉम पॉइंट 1, देन 2 एंड 6, देन 3 एंड 5 एंड 4। सिमिलरली नीचे भी लेने हैं, तो दो बेज है, तो दोनों बेज में से जितने भी पॉइंट्स है उसको हमें सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है, तो आप और ट्राई टू मेक इट एज क्विक एज पॉसिबल, क्योंकि आपको टाइम बचानी है। तो ये हम इसमें अगर टाइम कम वेस्ट करेंगे तो हम पॉइंट क्विकली ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सो ऑल वी नीड टू डू इज टू ट्रेस अ पॉइंट। तो पॉइंट ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी नीचे से देखेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 वाला कम्प्लीटली दिख रहा है, तो वो तो हम डार्क ज्वाइंट करने वाले हैं। ठीक है, हमें दूसरा जो देखना है वो है ABCD वाले में, तो उसमें हमें देखना है कि कौन सा विजिबल होगा। तो लाइन फॉलो करो, डी डी देन एफ देन ई देन एफ। सो हमारा एफ पॉइंट का प्रोजेक्शन लाइन और ये पॉइंट मिल चुका है एफ। ठीक है, सो दिस इज एफ, ये सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। सिमिलरली 1 2 3 4 भी मिलेंगे, तो 1 2 3 4 के लिए हम 1 2 3 4 वाली जो प्रोजेक्शन लाइन है वो फॉलो करेंगे, तो ऊपर हमें एक और हेक्सागोनल शेप मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द 5 एंड लास्ट पॉइंट इज 6, ज्वाइंट कर लेते। तो 1 2 3 4 क्लियर दिख रहा है, तो उसको विजिबल डार्क ज्वाइंट कर लेते। ना अभी ध्यान में रखना है कि हमारा लास्ट पर पहले जो क्लियरली जो विजिबल दिख रहा है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या दिखेगा। अभी 1 6 जो है वो उस तरफ है, अभी टॉप में दिख रहा है, मगर वो नीचे के बेस में वो हिडन हो जाएगा क्योंकि वो पीछे की तरफ है, तो वो दिखने वाला नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि 2 3 4 वाला जो सेम टू सेम BCD है वो BCD क्लियरली दिखेगा, ई तक कंप्लीट दिखेगा, और बाकी का जो बेस है वो हिडन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हिडन हो जाएगा, और उसके बाद हमें 2 एंड B को ज्वाइंट कर लेना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा एक फेस था। सिमिलरली इस तरफ दोनों तरफ फेस ज्वाइंट कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सारे देख लेते हैं। तो हमें सारे फेस ज्वाइंट करनी है, जो भी विजिबल है वो पीछे की तरफ है उसे हिडन बनाना। तो एट 6 एंड F वाला जो हिडन हो जाएगा और ये डार्क हो जाएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड दिस इज आर एलिवेशन एंड प्लान। सो दिस इज द प्रोसेस। क्वेश्चन रीड करिए, और उसमें से फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में से फर्स्ट स्टेज, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन में से फर्स्ट सेकंड स्टेज, और सेकंड कंडीशन में से थर्ड स्टेज ड्रॉ करना है। सो दिस इज द मेथड। Hope you understood the concept that how to draw projection of solid for any particular conditions, and hopefully you enjoyed the video. So thank you.